स्पीकर महोदय के धन्यवाद तले भारत माता की जय। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। हम जानते हैं जब 14 का चुनाव हो रहा था, 19 का चुनाव हो रहा था, तो सारे लोग कह रहे थे इस देश में पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री बनेगा। पिछड़ा वर्ग का जाति जनगणना करने में एक पैसे का खर्च नहीं है, लेकिन ये जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, ये पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं करना चाहती है। गाय की जनगणना करेगी, भैंस की जनगणना करेगी, लेकिन पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं करनी चाहती है बिना पैसे के खर्च से। हम जानते हैं पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने का काम किया है, ये नहीं करना चाहती है। ये आरएसएस के एजेंटों पर चलने का काम करती है। हम जानते हैं इनका क्या काम है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ये पिछड़े वर्ग की बहाली प्रोफेसर में नहीं करना चाहती है। मात्र 0.4% पिछड़े वर्ग की बहाली हुई है सिर्फ आरएसएस के सूची पर। इस देश में विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बहाली हो रही है। अब सब जानते हैं नकल करने वाली सरकार है। हर घर का नाम क्यों नल का जल, हर घर बिजली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आई है, लाया है। इसी को यहाँ की सरकार ने, भारत सरकार ने उसका अनुकरण करने का काम किया। इनके पास कोई अपनी नीति नहीं है। नीतियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी के सरकार ने बनाई है, पार्टी का नाम ने बनाई है या किसी ने बनाई है। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए। क्या बोले? आरएसएस का नाम मत लीजिए प्लीज जी। आरोप भी आरएसएस के बारे में बोला था। आरोप मतलब भी आरएसएस के बारे में अकेले नहीं बोले। आरोप मतलब नहीं बोला आरएसएस के बारे में। आपको तारीफ करने कर दीजिए। हम बोले तो गलत प्रशंसा करने को कर दीजिए। मानसिकता आपकी नो नो। उन्होंने आरएसएस की चर्चा की, मैंने नहीं किया। नो, ये बात नहीं बोली है। इंटरोगेटरी शुरू की जाती है प्लीज। और ये जो जी जी ना हमने उन्होंने जाना जी जी बोले माननीय सभापति महोदय, इस देश में पिछड़े वर्ग के साथ जितना अन्याय हो रहा है किसी शासन काल में नहीं हुआ था। लेटरल बहाली आप कर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर, क्या एक पिछड़े वर्ग का आदमी उसमें बहाल आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये घोर अन्याय है पिछड़े वर्ग के साथ। जब इलेक्शन आएगा तो पिछड़े वर्ग के जो मतदाता है, जिनको इस सरकार ने ठगने का काम किया, तथा कथित पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री इस बार मुख्य प्रधानमंत्री को लोग बता देगा कि आप कितना पिछड़ा विरोधी हैं। ये बात सब जानता है। आप कैपिटलिस्टों की सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। 12 लाख करोड़ रुपया आपने पूंजीपतियों का माफ किया है। ये जो रेलवे विभाग है आपने निजीकरण करने का काम किया है। सारे निजीकरण करके आप पिछड़े वर्ग के नौकरियों को समाप्त करने का काम किया। आएगा इलेक्शन, आपको जनता जवाब देगी। ये बात मैं बताना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से। और ये रेलवे का किराया 3 गुना इस सर जी। सर मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे इस अहम विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। कॉन्फिडेंस मोशन में जो लाए हैं उसके सपोर्ट